तो जैसा कि हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू दी गई है, सॉरी मैट्रिक्स की वैल्यू दी गई है, ये 3x3 की या स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 का, और हमें इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। मैट्रिक्स आपका क्या होता है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ अरेंजमेंट, है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, और जबकि उसका डिटरमिनेंट निकालें तो एक सिंगल वैल्यू होता है, दैट इज़ अ डिटरमिनेंट इज़ ए फंक्शन जो उस मैट्रिक्स की एक वैल्यू प्रोवाइड करेगा हमें। वो कैसे करते हैं, एक्सपेंड करते हैं ना, तो ये हो जाएगा 1 2 5 एंड 1 1 4 एंड -2 -3 और आपका -9 हो गया। क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग अबाउट, किसी के अबाउट खोल दीजिए, R1 R2 R3 C1 C2 C3, यू गेट द सेम आंसर, लेकिन हम R1 के अबाउट खोल दे रहे हैं। एक्सपेंडिंग अबाउट R1, पहली रो क्या हो जाएगा आपका, 1 टाइम्स प्लस माइनस प्लस, है ना, प्लस माइनस प्लस, तो दीज आर द कोफिशियंट, को फैक्टर के साइंस होते हैं ना, -1 की पावर क्या हो जाएगा, जिस रो का एलिमेंट है और जिस कॉलम का एलिमेंट है वो ऐड करना होता है। खैर, प्लस माइनस प्लस प्लस आप याद रखिए, क्या हो जाएगा, 1 टाइम्स इसका माइनर, तो जिस रो में एलिमेंट है रो क्लोज जाएगा, जिस कॉलम में कॉलम क्लोज जाएगा, तो माइनर क्या जाएगा आपका, 1 4 -3 और -9 हो जाएगा। फिर -1 टाइम्स इस एलिमेंट का माइनर, इसका माइनर, फिर ये कॉलम बंद हो जाएगा, 2 5 और -3 -9, फिर प्लस का क्या, -2 और इसका माइनर, उसका माइनर कितना हो जाएगा आपका, ये कॉलम बंद हो जाएगा, तो 2 5 1 5 सॉरी 1 4, तो ये हो जाएगा 2 5 1 4 हो जाएगा। अब ये 2x2 के डिटर्मिनेंट्स हैं, तो इनकी वैल्यू बड़े आराम से निकाल लीजिए आप, क्या हो जाएगा, 1 टाइम्स ये -9 और -12 मतलब +12, तो -9 और प्लस का 12, ठीक है, तो प्लस का 3 आ जाएगा इसकी वैल्यू। माइनस आप आराम से लिख लीजिएगा अगर आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं तो। खैर, तो -1 -18 और -15 मतलब +15, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा माइनस का 2, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया 2, और ये आ जाएगा आपका 2 4 जाए 8 -5 3 हो गया प्लस का। अब देखिए क्या हो गया आपका, 3 और माइनस माइनस +3 6 और -6 दैट बिकम 0, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट।